जिल्हाधिकारी यांनी संचारबंदीतील नियमांमध्ये 1 जूनपासून काही बदल केले आहेत। नवीन निर्णयांमध्ये जीवनावश्यक सेवांसोबतच अन्य एकल दुकाने जसे की कपडे, ज्वेलरी, बॅग्स, स्टेशनरी दुकानाला सुद्धा दुपारी 2 पर्यंत सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे। मात्र अद्यापही मोठे मॉल हे बंदच आहे। 1 जून रोजी अमरावती शहरातील जयस्तंभ चौक, राजकमल चौक, श्याम चौक येथे सिटी न्यूजच्या टीमने आढावा घेतला असता नागरिकांची गर्दी दिसून आली। लॉकडाऊनमध्ये अमरावती शहरातील रस्ते हे विरान पडल्यागत दिसत होते, मात्र आता थोड्या प्रमाणात शीतलता मिळताच शहरात पुन्हा वाहनांची सर्वीकडे गर्दी दिसून येत आहे। त्याचबरोबर शहरातील दुकानात सुद्धा खरेदीकरिता ग्राहक व व्यापाऱ्यांची गर्दी उमळून आली। लॉकडाऊन काळात हाताशी असणारी काम केल्याने बेरोजगार झालेले कर्मचारी, व्यापारी यांनी सुटकेचा श्वास घेतला असला तरी कोरोनाच्या महामारीमध्ये पूर्णतः अनलॉकची प्रक्रिया सुरू करता येईल की नाही हे तर वेळच सांगेल। लॉकडाऊन की महामारी में आप सभी को पता है कि अभी जो कंडीशंस है वो ठीक नहीं थी, लेकिन ठीक है, अभी मार्केट खुल गया है, अच्छी बात है। हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, अपनी प्रिकॉशन रखना चाहिए। नहीं है कि हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, जितने मार्केट में दुकान है उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं हमारे पास में, तो हम लोग हमें उनका भी सोचना है कि हम लोग कैसे उनको छोड़ दें। तो हम तो उन्हें मतलब हमें उनका भी सोचना है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने जो अनलॉक किया है तो सबके लिए अच्छा ही है। तो देखिए सब सेविंग सबकी ख़त्म हो चुकी है पिछले साल से लेकर, तो इस साल ये सबसे ज़्यादा प्रश्न निर्माण हुआ था कि हम लोग कैसे घर चलाएंगे अपना। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने राहत दी है, तो ये सारे जो हैं डिफ़िकल्टी ये धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी और व्यापार अपनी पटरी पे आते जाएगा। महीने जो पिछले गए हैं वो 3 महीने में जो दिक्कत हमने झेली है उसका क्या है, अभी सरकार को या जैसा जनता ने जो तकलीफ, कोई भी चीज़ की तकलीफ हो, जैसा अनाज नहीं मिला, खाने पीने के वादे, हर चीज़ के आने उन्होंने जो मुसीबतें 3 महीने में जो झेली है, आज इसका आनंद इतना है हमें कि आज से हमारी मजदूरी और 2 पैसे मिलेंगे तो हमारे घर का चूल्हा जलेगा। मैंने पहले कोरोना के लड़ाई में तो हम सरकार के साथ थे ही, अभी भी हम साथ में पूरे नियमों का पालन करते हुए हमने दुकानें खोली है और भविष्य में भी हम सरकार के साथ नहीं है। परंतु कैसा 2 महीने से जो दुकानें बंद थी उसकी वजह से पूरा अर्थचक्र रुका हुआ था। अभी जैसे ही दुकानें खुली हैं सर्कल घूमना शुरू हो जाएगा, पैसे का रोलिंग शुरू होता है, हर किसका क्रय बढ़ता है, टैक्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक है पूरी गाड़ी पटरी पे आ जाएंगी, परंतु उसको कुछ समय लगेगा। गवर्नमेंट ने अगर सभी लोगों ने नियमों का पालन करते हैं तो हो सकता है और ज़्यादा कुछ हमें मिल सके और जनता को ये समझना है कि ये जो है अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, ये लॉकडाउन में छूट गई है। अगर ये समझ के जनता अगर व्यवहार करती है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करती है, तो निश्चित तौर से हमें और ज़्यादा छूट मिल सकेगी। लॉकडाउन के चलते आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, थोड़ा जानकारी दें। एक्चुअली पूरा जो अर्थचक्र था सारा डिस्टर्ब हो चुका था, इसमें सभी हर तबके को उसका नुकसान हुआ है। ये लॉकडाउन किसी के लिए फायदेमंद नहीं है और किसी के लिए नुकसानदेह है। अब जैसे कि छूट दी गई है तो कोरोना संक्रमण के चलते आप किन किन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर किस प्रकार सुरक्षित जो त्रिसूत्री गवर्नमेंट दिया है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर, ये चीज़ों का हम पालन करेंगे। छापा खुल गया 1 तारीख आज की, तो लोगों ने जो रूल बताए हुए, नियम बताए हुए कलेक्टर ऑफिस से, उसके ऊपर अमल करने को ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ करने को ना, काम रहा जैसे मैं आ गया सामान लेने, थोड़ा सामान गर्दी नहीं। सिटी न्यूजमध्ये आपल्या दर्शकांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या नियमांमध्ये 1 जूनपासून काही प्रमाणात बदल करण्यात आले होते। या बदलानुसार जीवनावश्यक सेवा वगळता इतरही दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे। याच निमित्त आज अमरावती येथील राजकमल चौक, जयस्तंभ चौक, चित्रा चौक तसेच श्याम चौक प्रत्येक चौकातील मध्ये आपल्याला नागरिकांची गर्दी वाढलेली दिसत आहे। गर्दीसाठी